दास्तान के पीछे होती है कोई ना कोई हकीकत। चंद्र वृक्ष की दास्तान का जन्म हुआ था अमेज़न के जंगल से। उस तिलस्मी पेड़ की एक पंखुड़ी में हर बीमारी और हर श्राप का इलाज है। सदियों से कई लोग उस तिलस्मी पेड़ तक पहुंचने का रास्ता ढूंढते रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर थे शूरवीर टॉन हॉपे डी अकीरे, जिन्होंने चंद्र वृक्ष की पंखुड़ी को ढूंढने की ठान ली थी, लेकिन जंगल ने पंखुड़ी ले जाने नहीं दी। इतिहास कहता है कि उनकी कोशिश नाकाम रही, लेकिन दास्तान कुछ और ही कहती है कि पेड़ के रखवाले उन्हें ले गए थे और उनकी जान बचाई थी, और अगीरे ने धमका के रखवालों से अमरशूल मांगा, वो नया पत्थर जो चंद्र वृक्ष को ढूंढने का जरिया है, और फिर उसने कत्लेआम मचाया। पर जंगल चुप नहीं बैठा, उसने अगीरे और उसके साथियों को श्राप की बंदिश से बांध दिया। वो जंगल की बेड़ियों में हमेशा के लिए जकड़े रहे, ना चैन से जी पाए ना मर पाए।